हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको वो एक्वेरियम दिखाने जा रहा हूँ जो मुझे तो काफी पसंद है, शायद आपको भी होगा। और इस लोकेशन को देख के अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो कमेंट करके पहले ही बता दीजिएगा कि आपको याद है कि ये किस जगह का सीन है और किस एक्वेरियम का मैं बात कर रहा हूँ। तो बिना देरी के हुए मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं आपको वो एक्वेरियम दिखा रहा हूँ जो मैंने काफी पहले दिखाया था। वो एल शेप का एक्वेरियम था, वो जस्ट मेरे बगल में है, यहाँ पे आप देखिए। बट आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है कि हल्का सा जो ग्लास का जो चिटकना होता है, मतलब कि थोड़ा सा पपड़ी उखड़ जाता है प्रेस के कारण। तो ये उतना महीनों के बाद, मतलब कितना ये साल हो गया हुआ है मे बी, तो उतने समय के बाद जो है ये थोड़ा सा वो उस तरफ से जो है थोड़ा सा ग्लास चिटक गया, जिस वजह से पानी जो है रीस रीस के इसमें आता है, नीचे गिरता है। तो इसी को फिलअप करने वाले हैं और हम आपको बताते हैं इस टैंक में जो फिशेस थी वो सारी फिशेस इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि क्या बताऊं आपको, डायरेक्ट दिखाई देता हूं। आइए गाइस, फिशेस यहां पे हैं। उससे पहले थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेते हैं। तो चलते हैं गाइस, अब आपको फिश को दिखाते हैं। आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है ये टब में रखा हुआ है, इस्वा वाले टब में, और इस मोटर से भी कनेक्शन इसमें दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और नजदीक आइए और देखिए, ये पैरोट फिश है। पैरोट फिश हम आपको दिखाए थे, अभी थोड़ा सा कलर फेड हो गया है, इसका कलर काफी अच्छा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं पैरोट कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, एकदम बड़े साइज का। और ये ओस्कर, ओस्कर का साइज आप गाइस देखिए, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब हो चुका है, सारा का कलर एकदम मस्त है। और ये अभी बस इतना दिख रहा है, ठीक है, और ये छोटा सा पैरोट है। ये सब मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख लीजिए। एकदम सबसे बड़ा वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सब का कलर फिर पूरा एक हथेली से ही बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा नजदीक से आके देखिए, नजदीक से थोड़ा दिखाओ, ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है ना। और नजदीक से अभी और दिखाते जाओ, देखिए आपको एकदम मस्त जो कलर वाला और कटीला टाइप का ये गाइस ओस्कर देखिए, एकदम दो हथेली के बराबर। कितना इंच का होगा कमेंट करके जल्दी से बताइए, देखिए कैसा लुक लग रहा है। और ये एल्बिनो वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका कलर कितना मस्त हो चुका है। ये सब पैरोट फिश एकदम शानदार लग रहा है ना, ये टैंक में कितना अच्छा लग रहा होगा आप सोच सकते हैं, टैंक में कितना ज्यादा मस्त लगता होगा ये जब तैरता होगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसी तरह का अलग अलग टाइप का इसमें है, ये देखिए टाइगर वाला है, ये फायर वाला है, येलो पैरेट भी था ना, येलो पैरेट किधर है, अच्छा ये कौन सा है, ये देखिए ये इंपोर्टेड ओस्कर है। ये सब, ये सारा जो है मैंने इतना छोटा साइज का दिया था, इतना छोटा सा, अब ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ये कितना पीस अभी बचा होगा इसमें, 22-23 पीस है, जो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, छोटा सा ये टब है। इसको जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे, उससे पहले फटाफट से वहां जो है पेस्टिंग करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं उसमें टैंक में डाल के जंप करता है। आ जाओ। तो गाइस, सबसे पहले जो है आप एक बार फिर से इस टैंक को देखिए और इसका थोड़ा सा लुक देखिए, किस तरह से जो है उस समय बनाया था। शायद अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एल से पैरोट है, ठीक है, इधर से भी फ्रंट है और इस तरफ से भी है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सोफा रहता है और इस तरफ भी सोफा रहता है। तो सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका जो ये ब्रेथ है वो काफी कम है, यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। और इसमें जो है दो टॉप फिल्टर लगा हुआ है, एक ये टॉप फिल्टर लगा हुआ है और एक ये टॉप फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्लर का नाम लिखे हुए हैं और हम अपना यहाँ पे रिद्धि सिद्धि एक्वेरियम हाउस और कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है, ठीक है। और ये जब क्या बताएं, जब ये मछली डलाता है ना, लुक तो एकदम लाजवाब आता है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि फिश जब ऐड करेंगे तो एकदम शानदार लगने वाला है। और इस एक्वेरियम के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, ठीक है। तो फटाफट से जो है हम उसको ड्राई करते हैं और उसमें जो है रीपेस्टिंग करते हैं और आपको दिखा देते हैं। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कहां पर क्या प्रॉब्लम था। तो थोड़ा सा नजदीक से देखिए आप, यहाँ पे वहां पे सामने आपको दिख रहा होगा छोटा सा, हम आपको अंदर से थोड़ा सा दिखाते हैं। ये गाइस देखिए, ये बस छोटा सा था, ठीक है, एकदम एकदम छोटा सा।
एकदम छोटा सा वहां से, और ये हल्का हल्का पानी रिसता है। तो भैया बोले कि इसको जो है रिपेयर कर दो, ये रिसता है तो अच्छा नहीं लगता है, ये काफी जब टाइम तक रिसता है तो ढेर सारा पानी हो जाता है, इसलिए जो है इसको रिपेयर कर देते हैं। तो एकदम मस्त लुक आएगा, आप देख लीजिए एकदम छोटा सा एक्वेरियम है, और हाइट कितना लाजवाब है, एकदम लुक गजब का आता है। ये सेट होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेट होता है, एकदम मस्त लगता है। तो आप एक बार पार्लर का भी व्यू देख लीजिए, एकदम मस्त है। तो आपको अगर यहाँ पे आना होगा तो आ सकते हैं, ठीक है। इसका लोकेशन तो मैं आपको दे ही दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, पिछले वाले वीडियो में भी, इसमें भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो फटाफट से जो है इसमें ड्रायर मारते हैं, आप देखिए इधर। तो चलिए इसको थोड़ा सा सुखा देते हैं, जो भी पानी इसमें होगा, थोड़ा सा भी नमी जो होगा वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। गाइस हो गया होगा, अब गम लगाते हैं। तो गन हमारा यहाँ पे है, तो गाइस ये हमारा गम है, तो ये भी कट नहीं हुआ था, तो इसको फटाफट से कट करते हैं। पूरा गन लोडेड हो चुका है, अब इसको फटाक से जो है टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा छोटा जगह है कि अंदर भी नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए बार बार उस तरह से करके ड्रायर हमको मारना है। गाइस हम फटाफट से जो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको पूरा व्यू दिखाते हैं जब कंप्लीट हो जाएगा ये सेटअप करने का, वहां से मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पेस्टिंग तो कर दिए हैं और रात भी काफी हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं कि अब जो है ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगर इस वीडियो को कम्प्लीट करना चाहेंगे तो फुल सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप भी बोर हो जाइएगा। तो सोच रहे हैं कि हम ये जो है कि पार्ट टू में आपको दे दें, तो आपको बस एक बार फिर से हम एक्वेरियम को दिखा देते हैं और इस पार्ट टू जो है जल्दी आ जाएगा, उसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जब फिश ऐड हो रहा है या फिर फिश ऐड होने के बाद का सारा व्यू हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार अच्छे से एक्वेरियम का लुक देख लीजिए कैसा लग रहा है, उस समय बनाए थे ये, लगभग जो है ये कितना महीना हो गया, लगभग एक साल हो गया इसका, तो एक साल ये पहले एक्वेरियम कुछ इस तरह से बनाते थे, और इसका चौड़ाई भी आइए देख लीजिए, थोड़ा सा ब्रेथ दिखा दीजिए, ये देखिए इसका ब्रेथ देखिए, मात्र ये एक वित्ता है, ठीक है, हमारा तो हाथ छोटा है, आप देख सकते हैं एक वित्ता का ये है, ये काफी छोटा है, और इस तरह से पीछे से कुछ लुक ऐसा आता है, ये ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम हटा के दिखाते हैं, ये देखिए पीछे से कुछ ऐसा लुक आता है, और ये टॉप फिल्टर है, एक यहाँ पे है और एक इस साइड है, तो इस ड्रायर से ये भी सुखा रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए, और अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए जो है
काफी ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी जो है इस स्टैंड को सही जगह लगा देते हैं, और सही जगह लगने के बाद कैसा लुक आता है वो भी आप देख लीजिए। देख लिया पहले तो गाइस ये टैंक जो है सही जगह लगने के बाद कुछ ऐसा आता है, और यहाँ पर सोफा रहता है, ठीक है। तो इस तरफ जो लोग बैठते हैं उनके लिए ये डिस्प्ले हो गया, और एक सोफा यहाँ पे रहता है, तो इस तरफ जो बैठते हैं उनके लिए ये डिस्प्ले हो गया। तो दोनों तरफ से काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर इस तरफ भी बैठते हैं, उस तरफ भी, वहां पे हर तरफ बैठते हैं, तो ये इसलिए जो इस तरह का डिजाइन किया गया। अगर आप इसका किस तरह से ये फ्रेम बनाए ये आप जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो अब फाइनली मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय।